और यहाँ तक भी गया। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों हमारे पास है आईबेल का एक ड्रिल मशीन जो कि कल मेरे पास आया था अमेज़न से, हमने इसको मंगवाया है। वैसे अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे से हालत इसका काफी ज्यादा खराब है। अंदर देखेंगे प्रोडक्ट हमारा कैसा है और इसका ओवरऑल रिव्यू देंगे कि आपको ये घर के लिए खरीदना चाहिए या फिर आप एक्सपर्ट टाइप का ड्रिल मशीन खरीदना चाहते हैं तो क्या ये ड्रिल मशीन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वोल्टेज वगैरह 230 वोल्ट का यहाँ पर बताया गया है। इनपुट पावर है 650 वाट का, आरपीएम 2800 आरपीएम जो कि सबसे ज्यादा माना जाता है, और चक साइज है 13 mm का जो कि परफेक्ट है एक ड्रिल मशीन के लिए, चाहे आप बाहर यूज करें या फिर घर के लिए। साइड में देखें तो कुछ नहीं है, बस एक टूल फ्री नंबर दिया गया है जिसपे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं और ड्रिल मशीन को निकालते हैं बाहर। तो पीछे से खुला हुआ है बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक साल का आईबेल आपको यहाँ पर वारंटी देती है। यहाँ पर हमें बिट दिया गया है जो कि कुछ टूटे भी हैं भाई, इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा आगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हैंडल, पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर एक नॉब, ये काफी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है भाई, भारी है और क्वालिटी भी प्रीमियम लग रहा है। अब आते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट जो की है हमारी ड्रिल मशीन भाई। रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में कमाल लग रही है भाई, प्रीमियम फील करवाती है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे भाई लग रहा है कि कोई एनिमेशन में कोई बंदूक पकड़ी हुई है भाई, गजब का फील दे रहा है और मस्त लग रहा है। आईबेल की ब्रांडिंग आपको ऊपर में देखने को मिल जाती है जो कि ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ऊपर में आपको एक टांगने के लिए भी हैंगर टाइप का दिया हुआ है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आईबेल की ब्रांडिंग मिल जाती है, इसके साथ ही साथ मॉडल नंबर, और जैसे कि मैंने आपको बताया 220 से 230 वाट का यहाँ पर यूज किया गया है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई है। 650 वाट का मोटर देखने को मिलता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मोटर है वो कॉपर वायर के साथ देखने को मिलता है जो कि सबसे ज्यादा प्रीमियम और सबसे अच्छा माना जाता है। 13 mm का चक साइज देखने को मिलता है जो कि एक ड्रिल मशीन के लिए काफी बढ़िया है। किसी भी तरीके के बिट यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब पूरा दीवार को अगर छेद करना है बड़ा बिट लगा के तो वो भी आप इस ड्रिल मशीन से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर वेरिएबल स्पीड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस और माइनस का ऑप्शन दे रखा है। पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसको आप प्रेस करेंगे, जितना तेजी से प्रेस करेंगे उतना तेजी से ड्रिल मशीन हमारा चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ड्रिल मशीन हमारा चालू हो और हमें ये बटन जो है वो दबा के ना रखना पड़े तो सिंपली ये एक बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये वाला जो बटन है वो दबा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो मेटल का यूज किया गया है वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है भाई और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिवर्स और फॉरवर्ड टाइप का भी मोड देखने को मिल जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाला है जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो जैसे स्क्रू वगैरह लगाना है कसना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने कार को भी इससे साफ कर सकते हैं, जो पफ है वो यहाँ पर लगा के एयर थ्रो करने के लिए आपको यहाँ पर फैन दिया जाता है। कूलिंग मोड भी देखने को मिल जाता है तो ये जो ड्रिल मशीन है वो गर्म भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको इस ड्रिल मशीन में काफी अच्छी ग्रिप मिलने वाली है, स्लिप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको हैंडल का मोड देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है रबड़ का देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपके हाथों में अच्छी तरीके से पकड़ में आता है और स्लिप नहीं करता है। नेट टाइप का दिया गया है, यहाँ से भी हवा जो है वो बाहर निकलने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक मेजर करने के लिए भी स्टिक दिया गया है, पर हाँ मेरे पास जब ये पार्सल आया तो उसमें ये जो स्टिक थी वो टूटी हुई थी, तो हालांकि मैं इसको वापस करूंगा वो बात की बात है, पर हाँ ये चीज अच्छा लगा कि मेजर करने के लिए स्टिक दिया गया है। इस स्टिक को आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसके वजह से आप पता कर पाएंगे कि आपको कितना होल करना है, जैसे कि 10 mm का, 11 mm का। इसके अलावा अगर हम वायर की बात करें तो वायर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन हाँ उतनी अच्छी नहीं है। देखते हैं वायर का जो लेंथ है वो कितना लंबा है। लगभग 1.5 मीटर के आसपास हमें यहाँ पर वायर का लेंथ देखने को मिल जाता है। ये वाला जो हैंडल है वो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो फाइनली हमने हैंडल को फिट कर दिया है। हैंडल लगने के बाद पूरा एकदम बंदूक की तरह टाइगर जिंदा है भाई, गोली चलेगा यहाँ से, गजब की लग रही है भाई। देख, इस हैंडल को आप इस जगह ना लगा के ऐसे ऊपर की तरफ साइड में ऐसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बस खाली हमें बीते लगाना है। चलिए अब इस हैंडल से और इस ड्रिल मशीन को लगा के छेद करना शुरू करते हैं, चाहे टेबल में हो गया, इंसान में हो गया, कहीं पर भी छेद करते हैं। सबसे पहले हम बीट को लगाते हैं। तो ये चार टाइप का अलग अलग बीट आपको देखने को मिलता है, हालांकि चार ही है, और भी बीट आपको खरीदना होगा। जैसे कि स्क्रू कसने के लिए यहाँ पर बीट नहीं दिया गया है, तो स्क्रू आप यहाँ से नहीं कस पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से बीट वगैरह बाय करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि अगर हम इस बीट की बात करें तो सबसे वाला जो छोटा वाला बीट है उससे आप यहाँ पर कील वगैरह गाड़ सकते हैं, हर एक बीट में साइजेस वगैरह दिए गए हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस एक बीट को हम लगाते हैं और छेद करना शुरू कर देते हैं। चलिए इस प्लग को हम लगाते हैं अपने बोर्ड में। फाइनली प्लग को बोर्ड में लगा दिया है और अब इस बटन को हम चला के देखते हैं। ओ भाई साहब गजब,
और हाँ, एक चीज बड़ी बात है कि अगर आप इस ड्रिल मशीन को धीरे चलाना चाहें तो धीरे भी चला सकते हैं। देखिए ये धीरे धीरे चल रही है, तो इससे आप अपना कार वगैरह धो सकते हैं। और हाँ, तेज मैं चलाऊं तो भाई साहब क्या हवा निकलता है, क्या आवाज आती है भाई साहब, गजब का है। तो अभी हमने नॉब से बिट को लगा दिया है और ये बिट जो है वो एकदम टाइट हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना होगा, छेद करना है। तो सबसे पहले हम इसको दबाएंगे क्योंकि जो पोर्शन यहाँ पर निकला रहेगा ये देख सकते हैं आगे टाइप का एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब अब ये जो है ड्रिल मशीन घुसेगा। चलिए 1 2 3 भाई कुछ ही मिनट में, मिनट क्या मेरे को लगता है मिनट भी नहीं लगा होगा और छेद जो है वो हो गया है। और अभी जो है ड्रिल मशीन हमारी फंस चुकी है, बाहर नहीं आ रही। तो इसके लिए अब हम इस बटन को प्रेस करेंगे और ये जो ड्रिल मशीन है निकल गई है। ये था यहाँ पर रिवर्स मोड, तो रिवर्स मोड से आपका जो ड्रिल मशीन है वो फंस जाता है बीट वगैरह, तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और अब है हमारे पास ये एक ईट है जिसके अंदर हम छेद करने वाले हैं। हैंडल को पकड़ते हैं और भाई घुस गए। और ये अटक भी गया और अब जो है बिट हमारी निकल आएगी। तो हमने एक बार इसमें छेद किया लकड़ी में और एक बार ईट में छेद करके देख लिया और ये जो बिट है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है भाई। छेद कुछ ही सेकंड में, मतलब मिनट भी नहीं लग रहा है, कुछ ही सेकंड में ये जो ड्रिल मशीन है वो छेद कर दे रही है, चाहे लकड़ी में हो चाहे वो ईटे में हो। दीवार को यहाँ पर ड्रिल मशीन से छेद करने वाले हैं। 1 2 3 ओ भाई कुछ मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर छेद जो है वो हो चुका है। और रिवर्सल ऑप्शन चालू करते हैं और ड्रिल मशीन को बाहर निकालते हैं। भाई आसानी से जो हमारी ड्रिल है वो भी बाहर निकल गई है और छेद देख सकते हैं आप यहाँ पर वो हो चुका है भाई साहब, गजब। तो अभी दोस्तों हमने दीवार के अंदर, लकड़ी के अंदर, ईंट के अंदर भी यहाँ पर छेदा किया है। लोहे में भी आप छेदा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अलग बिट यहाँ पर खरीदना होगा। और हाँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक और वीडियो आने वाली है जहाँ पर मैं इस ड्रिल मशीन को कंपेरिजन करने वाला हूँ किसी दूसरे ड्रिल मशीन के साथ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई इस ड्रिल मशीन को अगर मैं रिव्यू दूं एक वर्ड में तो भाई पावरफुल ड्रिल मशीन है। 650 वाट का मोटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और भाई कमाल काम करता है। भाई मेरे तरफ से आप इस ड्रिल मशीन को खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो भाई 1500 के अंदर बेस्ट ड्रिल मशीन है आईबेल के तरफ से ये आने वाला ड्रिल मशीन। तो मेरे तरफ से भाई आपको अच्छा सजेशन यही रहेगा कि आप इस ड्रिल मशीन को खरीदिए। तो ओवरऑल मेरे तरफ से आप इस ड्रिल मशीन को खरीद सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय।